नेपाल के पीएम ओली ने प्रचंड के साथ सत्ता को लेकर रस्साकशी के बीच एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए पिछले साल 20 दिसंबर को प्रतिनिधि सभा भंग कर दी थी। इसके बाद से ही नेपाल में राजनीतिक संकट गहरा गया है। बता दें कि 275 सदस्यीय सदन को भंग करने के उनके कदम का पार्टी के प्रचंड नीत थड़े ने विरोध किया था और अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाले थड़े ने कहा है कि उनकी पार्टी ने संसद भंग करने के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के असंवैधानिक एवं अलोकतांत्रिक कदम के खिलाफ भारत और चीन सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन की अपील की है। दरअसल प्रचंड ने काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के एक चुनिंदा समूह से बातचीत में कहा है कि यदि हमें संघीय ढांचे एवं लोकतंत्र को मजबूत करना है तो प्रतिनिधि सभा को बहाल करना होगा तथा शांति प्रक्रिया को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाना होगा। इसके अलावा भी प्रचंड ने बुधवार को काठमांडू में होने वाली अपने धड़े की एक विशाल विरोध रैली से पहले कहा कि मेरा मानना है कि उच्चतम न्यायालय प्रतिनिधि सभा भंग करने के प्रधानमंत्री ओली के असंवैधानिक एवं अलोकतांत्रिक कदम को स्वीकृति नहीं देगा। प्रचंड ने चेतावनी दी कि यदि सदन को बहाल नहीं किया गया तो देश एक गंभीर राजनीतिक संकट में चला जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने पड़ोसी देशों भारत और चीन सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ओली के इस असंवैधानिक एवं अलोकतांत्रिक कदम के खिलाफ उनके यानी कि प्रचंड नीत थड़े के जारी संघर्ष को समर्थन देने की अपील की है। प्रचंड ने कहा कि हमने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात से अवगत कराया है कि ओली के कदम से लोकतंत्र का शरण हुआ है और हम भारत चीन सहित यूरोपीय संघ तथा अमेरिका से देश के संघीय ढांचे और लंबे संघर्ष के बाद हासिल किए गए लोकतंत्र के प्रति समर्थन मांग रहे हैं। दूसरी तरफ भारत ने संसद भंग करने और नए चुनाव कराने के ओली के फैसले को नेपाल का आंतरिक मामला बताते हुए कहा कि इस बारे में पड़ोसी देश को ही अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के मुताबिक फैसला करना होगा। हालांकि चीन ने सत्तारूढ़ पार्टी को विभाजित होने से रोकने की अपनी कोशिश के तहत पिछले साल दिसंबर में 4 सदस्यीय एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भेजा था जिन्होंने एनसीपी के कई शीर्ष नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें की थी। बाद में नेपाल के पीएम केपी ओली ने आंतरिक मामले का हवाला देते हुए चीनी प्रतिनिधि मंडल को वापस जाने को कहा था। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस? मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया? इंस्टाग्राम पर क्या फैला है? क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके चक्के? राजनीति में क्या हो रही है उठापटक? किसने किस पर कसा तंज? अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाएं द हिंदुस्तान मिरर के साथ।